गाइस भाई सारे भाइयों को राम राम, सारे भाइयों का स्वागत। एंड यार इस वीडियो के अंदर भाई हम बात करेंगे अबाउट द महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 क्लासिक टॉप मॉडल वाइट कलर के अंदर। भाई डिमांड आ रही थी कि भाई वाइट कलर के अंदर वीडियो बनना चाहिए, एंड यार वाइट कलर के अंदर वीडियो बनेगा। शोरूम के बाहर अगर गाड़ी देखते हो ना, काफ़ी बड़ा प्रोफाइल, काफ़ी ग्रैंड प्रोफाइल है गाड़ी का। फ्रंट लुक जो है यार एक नंबर लगती है फ्रॉम द फ्रंट। यू विल सी ना भाई प्यार सा हो जाता देखते ही। ब्लैक कलर की हम पूरी बात कर चुके हैं भाई, पूरी बात करते हैं वाइट कलर की क्या चीज़ कैसे। भाई दो चाबी आ रही हैं आपकी इसके अंदर, एक पे तो क्रोम इंसर्ट्स भी नहीं मिलता, दूसरे में आपको क्रोम इंसर्ट वो सब चीज़ देखने मिलती है। ट्विन पीक्स का लोगो दोनों में आपको कंपनी ऑफर कर रही है, तो मतलब यार बातचीत बढ़िया बनने वाली है पूरा। अब यार पूरी बात करते हो ना क्या चीज़ कैसे मिलती है भाई। इससे आपको भाई चाबी ये रही, इससे आप करते हो गाड़ी को लॉक, इससे आप अनलॉक करते हो, अनलॉक करते हो आपकी आईब्रोज जो हैं वो ब्लिंक करती हैं। यू विल सी अच्छा लुक निकल के आता है। इससे आपका भाई हॉन्क करने लगती है, आपका बीप करता है ये सब चीज़, तो यार बढ़िया लगता है सब चीज़। एंड एक बार ट्रिम की बात करता हूँ ना, गाड़ी आपकी अनलॉक करते हुए यू विल सी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। केबिन बहुत ज़्यादा इसका प्रीमियम मिलता है आपको, जो क्वालिटी आपको ऑफर कर रहा है महिंद्रा एक नंबर है भाई। फ्रंट से जब बात करते हो भाई, आपको 6 लैट इंसर्ट के अंदर क्रोम मिल जाता है, लाइक तीन इधर ट्विन पीक्स का लोगो। एंड भाई ये आपका स्कूप है, फंक्शनल नहीं है, बिकॉज जो इंटरकूलर था वो अब नहीं है इसके अंदर। आपका भाई यहाँ पे पूरे नंबर प्लेट की हाउसिंग आएगी। DRL आपका जो था वो आईब्रो भाई दिन में ना ये ज़्यादा चमकता नहीं था, कंपनी ने बोला भाई ये तो रहेगा ही रहेगा, एक यहाँ पे DRL ऐड कर दिया, तो आपका दिन में बस अब ये जलता है, रात के टाइम में आपका ये जलता है। तो क्वालिटी यार बहुत एक नंबर निकल के आती है। स्किड प्लेट की जब बात करते हो ना नीचे देखते हुए, यू विल सी यार ठीक लगता है। एंड अप्रोच एंगल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रियर व्हील ड्राइव है आपकी गाड़ी की, गाड़ी ना आपकी रियर व्हील ड्राइव है, जो प्रपोर्शन है ना जो कंपनी ऑफर कर रही है बहुत अच्छी लगती है। इस चांस पे देखो गाड़ी को क्या लुक है। एलॉय व्हील्स आपको डायमंड कट पूरा पूरा मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड यार ये जो इसका प्रोफाइल है बहुत अच्छा लगता है। सिक्योर ड्राइव फ्रॉम C8, हाई परफॉर्मेंस ट्रेड आपको टायर मिल रहा है इसके अंदर। सेक्शन की जब बात करते हो ना, तो यार यू विल सी आपको सेक्शन 235/65/R17 का सेक्शन कंपनी ऑफर कर रही है इसके अंदर। व्हील आर्चेस बहुत फंक्शनल, बहुत अच्छे लगते हैं। साइड में फुट स्टेप मिलता है। एंड भाई फेंडर पे इंडिकेटर आ रहा है, फेंडर पे इंडिकेटर आता है, ORVM पे नहीं आता है। एक चीज़ है ये जो आपका नक्का जा रहा है ना पूरा, ये आपको लाइक ठीक लगता है। ब्लैक कलर में तो भाई दिखता भी नहीं है। यहाँ की बात करते हो, सैटिन सिल्वर ब्लैक टचेस, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, सैटिन सिल्वर मेट ब्लैक के टचेस, इंडिकेटर हैलोजन के अंदर वही चीज़ मिलती है पूरा पूरा। ये जो प्रोफाइल है गाड़ी का कमाल की लगती है यार। एंड यार यू विल सी ना बहुत अच्छा लुक कंपनी ने कोशिश करी है। फ्रंट में डिस्क, पीछे रियर, ट्विन पीक्स का लोगो, 5-spoke डिजाइन है, C8 का टायर है, बढ़िया है, पूरा पूरा माल भर रहा है, ब्रांड न्यू गाड़ी भाई। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना, इस एंगल पे देखते हो यार, ये जो लुक आता है ना भाई, पूरा फेंडर से आपका ग्लास एरिया बहुत बड़ा मिलता है, यहाँ से ओपन हो जाता है, आपका लैच पूरा मिलता है। रियर प्रोफाइल की जब बात करते हो, स्कॉर्पियो क्लासिक S11 माइक्रो हाइब्रिड, पूरी ब्रांडिंग, ट्विन पीक्स का लोगो, कैमरा भाई नहीं आता है, सिर्फ आपको सेंसर देखने मिलते हैं। टोइंग हुक भाई वो सब नहीं है यहाँ पे, खुलेगा वो सब यहीं पे, इसको आप टो कर सकते हो, सब चीज़। 2 पार्किंग सेंसर्स, क्वालिटी एक नंबर आपको कंपनी ऑफर करती है। एंड यार ये आपका यहाँ से ओपन होता है, फंक्शनल है, यहाँ पे आपको लैच मिल रहा है, एक्सपोज्ड हैं जो टाँके आपके, एक्सपोज्ड हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप बेरा, डिफॉगर इसके अंदर मिलता है, दोनों तरफ से नक्के दिखते हैं यार, बड़ा ऑड लगता है। यहाँ से अनलॉक वनलॉक के लिए स्पीकर वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ लगी मिल जाती है। एंड जो सीट है ना आपकी, इस जिपर को यहाँ से खोलो, एंड यू विल सी आपका ये नीचे चला गया। आपको ये जो उसका फुट वाला है ना, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ये आपका ओपन हो जाता है ऐसे करके, लाइक ये ओपन, ये ऐसे करो ओपन, एंड टूल किट को यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखते हो ना कंफर्टेबली बैठो, बढ़िया लगता है यार। 2 लोग आगे, 3 लोग यहाँ पे हैं, 2 लोग पीछे, 4 और 3 7, मतलब यार 7 सीटर आपकी गाड़ी है, एक नंबर है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। कभी बड़े मिलता है आपको स्पॉइलर लगा हुआ मिल जाता है इसके अंदर। एंड यू विल सी ना वॉशर फ्लूइड आपका यहाँ से ये विंडशील्ड पे पूरा मारती है। इसकी बात करते हो, इसको आप यहाँ से करो बंद, अभी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वेटेड मिलता है, भारी मिलता है आपको। डिफॉगर लाइन दे रही है, वाइपर आपको एरा, ट्विन पीक्स का लोगो एरा, सेंसर आपको 2 मिल रहे हैं चढ़ने उतरने के लिए, आपको पूरा फुटरेस्ट यहाँ पे कंपनी लगा के दे रही है। स्पेयर टायर की बात करते हो भाई, नीचे से एक बार जब देखते हो ना आप, यू विल सी आपको स्पेयर टायर आपका नीचे लगा हुआ मिल जाता है, ठीक है, मतलब यार अच्छा लगता है। ये गाड़ी आपकी भाई S11 क्लासिक है, इसके अंदर एक चीज़ ऐसी आती है जो आपकी स्कॉर्पियो N के अंदर नहीं आती है भाई, वो चीज़ है आपकी हुड को जब ओपन करूँगा ना, तो यू विल सी आपको भाई इसके अंदर, यहाँ से आपका हुड जब ओपन होगा, यू विल सी यार आपको यहाँ पे पूरा यहाँ से हुड ओपन करते हैं। एंड 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन कंपनी डाल के दे रही है इसके अंदर। इसको जैसे आप लिफ्ट करते हो भाई, अपने आप चला जाता है, बिकॉज इसके अंदर आपके हाइड्रोलिक्स आते हैं एंड इंडिकेटर आपका स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है।
यही आपके प्रोजेक्टर है फॉर द लो बीम, फॉर द हाई बीम, रिफ्लेक्टर बेस मिल रहा है, कॉर्नरिंग लैंप आपका वहाँ पे मिल जाता है, फॉग लैंप आपके सब चीज़ आ रहा है, डीआरएल आपका यहाँ पे आ रहा है, स्किड ब्लेड भी ना डुअल टोन है लाइक मैट ब्लैक एंड सैडन सिल्वर। यहाँ की बात करते हो भाई, गाड़ी की जो जान है, गाड़ी की जो पूरी शान है, ये है आपका इंजन। 130 bhp की पावर दे रहा है, 300 Nm का टॉर्क दे रहा है। ये जो आपका डैम है लाइक एयर इंटेक भाई, फंक्शनल नहीं है, सिर्फ एक हुड के लिए एक्टिंग का काम कर रहा है, कोई इसकी यूटिलिटी नहीं बची अब। एंड पूरी डैम्पिंग NVH के लिए आपको बढ़िया मिलती है, यहाँ से आपके जो स्प्रे जा रहा है नोजल में, पाइप पूरा कनेक्टिंग कर रहा है आपको, वायर वगैरह आप सब देख पा रहे हो, यू विल सी आपका भाई पूरा आपका यहाँ पे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है। ये इंजन ना भाई कमाल का है, कब से चला आ रहा है भाई, 2002 से, महिंद्रा जब से इंडिया में स्कॉर्पियो लॉन्च करी है तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। एंड भाई ये गाड़ी ना दिलों पर राज करती है, चाहे तो आपकी स्कॉर्पियो N आ जाए, चाहे आपकी XUV700 आ जाए, बट यार इस गाड़ी का जो फैन बेस है, जो टोरा है ना, वो बिल्कुल अलग मिलता है। नीचे लाओ एक बार में लाइक बंद हो जाता तो यार चीज़ तो है यार, इंडिकेटर आपके अपने आप बंद हो जाएंगे, आपको सिंगल वहाँ पे बोल रहा है, दो वाइपर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं आती है। आप बात करता हूँ मैं एक बार डोर को करता हूँ ओपन, एंड जैसे आप डोर को करते हो ना ओपन, यू विल सी तकरीबन 80 डिग्री तक डोर ओपन होता है। इसको ओपन करते हैं तकरीबन 80 डिग्री तक, ज़्यादा ओपन नहीं होता है, 90 डिग्री तक, वो टाटा वाली चीज़ नहीं मिल रही, बट हाँ यार डोर का जो एंगल है, अप्रोच एंगल अच्छा मिलता है। चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत फील नहीं होगी बिकॉज आपका फुट रेस्ट लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे, आप हैंडल को पकड़ो, दूसरा पैर आपका अंदर जाएगा ना, आप अंदर इजीली बैठ सकते हो, तो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे देखते हो ना भाई, आर्मरेस्ट के नाम पे मजाक है बिल्कुल, मतलब ना कपोल्डर्स ना कुछ, पूरी बेंच मिलती है भाई, तीन लोग इजीली बैठ सकते हैं, छोटा सा फ्लोर हम मिलता है आपको, एसी आपको यहाँ लगा हुआ मिल जा रहा है, तो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो यार डोर आपका खुला हुआ भाई, पूरी बात करते हैं अंदर क्या चीज़ कैसे भाई, वही फ्लिप की आती है, पुश बटन स्टार्ट नहीं आता, चाबी लगेगी यहाँ पे, एक बार लगाते हो यहाँ पे, करते हो यहाँ पे, करते हैं यू विल सी ना फुल स्वाइप मारता है आपका क्लस्टर, अच्छा लगता है। ये जो कलर थीम है ना बहुत कमाल की लगती है। इसको करता हूँ भाई बंद, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब चीज़ आपकी इसके अंदर आती है, ट्विन पीक्स का लोगो। डोर की बात करते हो भाई, आपको यहाँ पे पियानो टचेस मिल जाते हैं, ऑटो डाउन फॉर द ड्राइवर, ऑटो अप फॉर द ड्राइवर, तीनों नॉर्मल है। इससे आपका लॉक अनलॉक भाई, ये हैंडल और बेटर हो सकता है, थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, यहाँ पे आपको फाइबर मिल रहा है, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, पूरा भर भर के हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है इसके अंदर। एंड यार यू विल सी भाई, आपको बॉटल होल्डर नहीं आ रहा है, आपकी जो सीट है वो भी मैनुअली एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है यहाँ से, हाइट एडजस्टेबल, वो सब चीज़ आप इसकी कर सकते हो, तो क्वालिटी इज़ गुड, ठीक लगती है। यार अब ना एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं क्या चीज़ कैसे भाई, जैसे आप अंदर बैठते हो गाड़ी के अंदर, यू विल सी भाई बड़ी सही लगती है जो गेटअप है ना, टच स्क्रीन वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार, वो सब चीज़ आ चुकी है आपकी इसके अंदर। एंड यू विल सी मज़ा सा आता है बैठते ही, चाबी आपकी गाड़ी की ये रही। एंड यार ये चाबी जो है, एक बार ना इसको अंदर लगाता हूँ मैं इसके अंदर, एंड जैसे ही आप लगाओगे ना, तो यू विल सी आपका भाई की होल यहाँ पे मिल रहा है पूरा। यहाँ की बात कर लेते हैं भाई, आपको फ्यूल की लिड खोली यहाँ से ओपन होगी, फ्रंट का डिफॉगर यहाँ से, हेडलाइट लेवल रह रहा है, ORVMs को इंटरनल एडजस्टमेंट मिल रहा है आपको, पूरे इनको एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड आपके नहीं होते बट आप एडजस्ट कर सकते हो। आप भाई गाड़ी को करते हैं एक बार स्टार्ट, भाई वाइब्रेशंस का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो गया है अब, तो इतना वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा। महिंद्रा का लोगो बना आता है पूरा यहाँ पे, टच स्क्रीन अच्छी क्वालिटी का लगता है। स्टीयरिंग की बात करते हो भाई, एडजस्टमेंट आपको पूरा मिल जाता है, एंड यू विल सी हाइट एडजस्टेबल मिल रहा है आपको, ओनली टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट मिलता है। यहाँ से आपका ये लॉक हो जाएगा, इसको लॉक करते हैं। ट्विन पीक्स का लोगो, लेदर रैप्ड यूनिट, क्रूज कंट्रोल के बटन सारे आपके, वॉल्यूम, माइक्रोफोन, सब चीज़ यहाँ मिल जाती है, माइक्रोफोन आपको यहाँ पे प्लेस है, सनग्लास होल्डर आपका यहाँ पे आ जाता है इसके अंदर, क्वालिटी इज गुड। टिकट होल्डर आपको इसके अंदर भाई नहीं मिल रहा, बिल्कुल प्लेन है यार, और बेटर कर सकते थे, मतलब मेरे को ठीक ठीक क्वालिटी लगी, ज़्यादा कोई खास नहीं है। यहाँ की बात करते हो, मिरर मिल जा रहा है, लैंप नहीं आ रही, स्कॉर्पियो N वाली बातचीत बिल्कुल नहीं है। यहाँ की बात करते हो, LED भाई दे सकते हो भाई, 2022 चल रहा है, हर गाड़ी में आप लोग LED डाल के दे रहे हो, इसके अंदर भी LED कर दोगे ना तो वो गेटअप आ जाएगा भाई। महिंद्रा ना हर चीज़ पे जो चीज़ कर रहा है ना, काम कर रहा है और प्रॉपर हो जाएगी। यहाँ की बात करते हो, आपको वुडन फिनिश के टचेज मिल जाते हैं, SRS एयरबैग्स, दो ही एयरबैग्स गाड़ी के अंदर आपके आ रहे हैं, एक गेरा एक उधर मिल रहा है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एंड यू विल सी ना यार जो कॉम्बिनेशन कंपनी यूज़ कर रही है काफ़ी कमाल का लगता है। एंड सीट्स की जो आप अपहोल्स्ट्री देखते हो, फैब्रिक मिल रही है, और बेटर सीट्स आपके हो सकते हैं भाई, सीट कवर वगैरह चढ़वा लेना, बिकॉज ये आपकी टाइम के साथ ना धूल पकड़ेगी, इनमें धूल जाती है आपकी। यहाँ पे आपको कोई स्टोरेज नहीं मिलता, इसको आप ओपन करते हो ठीक ठीक से साइज़ का, वो ग्लव बॉक्स ऑन ऑफर फ्रॉम कंपनी, बंद करते हो उसको, ठीक लगता है। टच स्क्रीन आपका ठीक है, रिवर्स गियर को एक बार जैसे ही इंगेज करता हूँ उठा के डलता है इसके, उठाओ ऐसे, एंड आपका रिवर्स जल गया, रिवर्स डालते भाई आपका आर बना आ जाता है यहाँ पे। एंड कैमरा वगैरह इसमें नहीं आता, सेंसर्स आते हैं आपके पीछे चार, उन्हीं से पूरा कंपनी, सॉरी चार नहीं भाई, दो ही सेंसर्स आपके आते हैं इसके बैक के अंदर। यहाँ पे वुडन फिनिश मिल रही है, थोड़ा रबराइज है, हैंड ब्रेक है रहा, और भाई ये जो आर्मरेस्ट है भाई, ऐसा आर्मरेस्ट कौन ऑफर कर रहा है आज के टाइम, बड़ा अजीब सा लगता है। इस सीट के अंदर भी अंदर आपका, एंड यहाँ पर भी अंदर, भाई बहुत चीप लगता है देखने के अंदर। सिंगल आर्मरेस्ट हो वो बढ़िया लगता है,
ऑटोमेटिक एसी आपको सब चीज़ क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, इंडिकेटर आपके यहाँ से ब्लिंकर्स ऑन, ऑटो इग्निशन स्टार्ट स्टॉप वो बटन यहाँ मिल जाता है, एसी कंट्रोल देखते हो ना बहुत अच्छा लगता है, क्लस्टर पूरा काफ़ी कमाल का लगता है, क्रोम के इंसर्ट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, बढ़िया लगता है। वाइपर को एक बार मैं चलाता हूँ तो यू विल सी आपका भाई स्प्रे इज गुड अमाउंट ऑन ऑफर, पूरा एक बार में साफ कर देते हैं। मैनुअल आपको मिरर मिलता है, मैनुअली मिल रहा है, लाइक ऑटो डिमिंग नहीं मिल रहा है इसके अंदर। एंड यार गाड़ी आपकी ना बड़ी क्लासिक सी लगती है, पूरा साफ हो चुका है आपका एक बार में। तो यार ये जो टचेज है ना भाई, महिंद्रा की सामने एक गाड़ी खड़ी है, पूरा भौकाल है भाई इस गाड़ी का भी, ये गाड़ी भी कमाल की है। स्कॉर्पियो है ना आपकी यहाँ पे थी, थार आपकी वो खड़ी हुई, भाई महिंद्रा ही महिंद्रा हो रखा है इस टाइम तो। पूरा जो गेटअप चल रहा है ना महिंद्रा का, वही पूरी बातचीत पूरे मार्केट के अंदर है भाई। स्टेयरिंग पर भी ना आपको बहुत अच्छी सी फिनिश मिल रही है, डी कट स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम नहीं है, राउंड ही है, बट हाँ लुक्स गुड। पियानो ब्लैक के टचेस पूरा मिल रहा है, हॉर्न बजाता हूँ एक बार, लाइक यार हॉर्न भी काफ़ी अच्छा, बट ना थोड़ा सा देर में बजता है, जब आप दबाओगे पहले दबेगा थोड़ी देर में, लाइक हॉर्न काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यार यही थी पूरी बातचीत, एक बार पूरा टायर को इसके कट करते हैं, एक बार टायर सेक्शन देखते हो ना, बड़ी सेक्सी लगती है इस एंगल से आप देखोगे तो, यू विल सी ना जो टायर है एलॉय भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने के अंदर, क्वालिटी इज़ वेरी गुड यार। अब यार एक बार बैक सीट पे चल के बात करते हैं कि क्या चीज़ कैसे मिलती है, गाड़ी आपकी स्टार्ट खड़ी हुई है, डोर का जो पल्ला है भारी मिलता है यार, वेट बहुत अच्छा लगता है आपको इसके अंदर। महिंद्रा का टेम्परा लाइट ग्लास आपका इसके अंदर हुआ है, पावर विंडो आप कैरी, ऑटो डाउन नहीं मिलता, दबा के रखोगे तभी नीचे आएगी, इससे आपका ऊपर आ जाता है यार, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकती है। टिकट होल्डर आपको एयर सैनिटाइजर वगैरह रखते हो, बॉटल होल्डर भाई अलग से दिए हुए यार, आप देख रहे हो ना चपटी लाइन थी बिल्कुल अलग से दे दिया ऐसे काट के, तो यार इंप्रूवमेंट बहुत जरूरत है। एरोडायनेमिकली जो एक्सयूवी में काम कर रहा है ना भाई, वो इस गाड़ी के अंदर काम नहीं हुआ है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सब चीज़ मिल जाती है, सीट बेल्ट भी आपकी हाइट एडजस्टेबल सब चीज़ आपको नहीं मिलती इसके अंदर। आप गाड़ी के अंदर बैठते हो आपको पूरी बेंच मिल रही है, तीन लोग इजीली बैठेंगे, फ्लोर हम पहने तो इसी के वेंटेयर है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलता, दो कप होल्डर आ रहे हैं, बढ़िया लगता है यार सब चीज़ बढ़िया लगती है यार। यही था मतलब क्या चीज़ कैसे, पीछे आप दो लोग बैठा सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके ये रहे, लैंप आपको यहाँ मिल रहा है, हैलोजन मिल रहा है, पीली लाइट यार कर दो भाई, 2022 चल रहा है। एंड यार यही था पूरी क्या चीज़ कैसे है, ट्रिम भी आपका हार्ड प्लास्टिक वो सब चीज़ ठीक लगती है। केबिन देखते हो ना एक नंबर लगती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है यार। अब ना एक बार यही था क्या चीज़ कैसे मिलती है आपको, आपको अगर गाड़ी बढ़िया लगी, वीडियो बढ़िया लगा तो यार अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, टिल देन बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल। ये थी आपकी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, टेक केयर गाइज़।